मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूं अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सिडबी को कि लगभग 30 वर्ष के बाद देश के सबसे बड़ी आबादी के राज्य में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को अपने स्वयं का मुख्यालय का मार्ग आपने प्रशस्त किया है। ये हमारे लिए भी देश की सबसे बड़ी आबादी के प्रदेश के लिए और इस देश के एमएसएमई सेक्टर के लिए एक अत्यंत प्रसन्नता का अवसर है। मैं इसके लिए इस सेक्टर में रुचि रखने वाले, इसके माध्यम से रोजगार प्राप्त करने वाले और इसके माध्यम से आने वाले समय में लाभान्वित होने वाले उन सभी संबंधित पक्षों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मैंने अभी सिडबी के नए मुख्यालय भवन के यहां पर जो डिस्प्ले किया गया उसको मैंने देखा है और मैं इस बात को विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो एक संकल्पना दी गई है कि ग्रीन बिल्डिंग के रूप में हम इसे विकसित करेंगे और इसमें ऊर्जा है, जल है, वेस्ट प्रोडक्ट की बचत के साथ ही जल की रिसाइकलिंग और रिचार्जिंग की व्यवस्था, तो इसमें सौर ऊर्जा का बेहतर उपयोग किया जा सके, इस दृष्टि से जो एक ग्रीन बिल्डिंग का एक नया कॉन्सेप्ट देने का प्रयास हुआ है। यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उस सोच को प्रदर्शित करता है जिसमें हम सब मिलकर के ऊर्जा की बचत के साथ ही ग्रीन एनर्जी को प्रोत्साहित करने और जल संरक्षण के अभियान को भी आगे बढ़ाने के लिए जो बार बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी आह्वान करते हैं, एमएसएमई सेक्टर के प्रोत्साहन के लिए भी यहां पर जो व्यवस्था दी गई है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सिडबी एमएसएमई क्षेत्र के संवर्धन, वित्त पोषण और विकास के लिए कार्य करने वाली एक प्रमुख वित्तीय संस्था है। सिडबी के माध्यम से भारत सरकार के चाहे वह स्टार्टअप फंड के निधि प्रबंधन का कार्य हो या फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे जो कार्यक्रम प्रारंभ किए थे उन सब का जो आधार है वह सिडबी है और सिडबी के माध्यम से स्टार्टअप को आगे बढ़ाने में जो मदद अब तक मिली है उसके बहुत सकारात्मक परिणाम युवाओं में और समाज के विभिन्न तबकों में देखने को मिले हैं।